हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में कि ओपेसिटी प्रॉपर्टी होती क्या है सीएसएस के अंदर, किस तरह से इसको यूज करते हैं विद एग्जांपल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी से। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे वेब पेजेस को क्रिएट कर पाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपेसिटी होता क्या है। तो ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज होता है हमारा CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, चाहे आप इमेज टैग का यूज कर रहे हो अपने वेब पेज में। ओके, ओपेसिटी प्रॉपर्टी की मदद से आप उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हो किसी चीज को, आप उस बैकग्राउंड कलर को भी ट्रांसपेरेंट बना सकते हो बाय यूजिंग ओपेसिटी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है बैकग्राउंड कलर्स में इसकी। ओके, और कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फाइल के अंदर जाएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। आई होप आपको पता लग गया हो कि ओपेसिटी होती क्या है। तो ओपेसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट बना पाते हैं, चाहे वो डिव टैग हो, चाहे h1 टैग हो, चाहे इमेज टैग हो, आप कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा इस फाइल को और इसका नाम दे दूंगा ओपेसिटी .html, सेव। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर html फाइल का, html फाइल का आ गया यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे लिख देंगे टाइटल में लर्निंग css। ओके, लर्निंग css, कंट्रोल एस। अब css भी देनी है हमें, तो एक्सटर्नली मैं css दूंगा। तो फाइल में जाऊंगा, न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा और कंट्रोल एस, और इसका नाम दे दूंगा opacity.css और सेव। ओके, अब इन दोनों फाइल्स को लिंक करवाना है। तो लिंक करवाना बहुत ही ईजी है। तो लिंक टैग यहाँ पे देंगे। ओके, लिंक टैग के अंदर अब हमें इस opacity.css वाली का एड्रेस यहाँ पे देना है, इस फाइल का एड्रेस। तो ब्राउजर में जाके opacity.css को ओपन करूंगा और इसको कॉपी कर लूंगा एड्रेस को और यहाँ पे पेस्ट। अब ये दोनों फाइल्स लिंक हो चुकी हैं एक साथ। अब ओपन करते हैं opacity.html वाली फाइल को हमारे ब्राउजर पे। तो ये ओपन कर ली हमने यहाँ पे। इसके अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज बॉडी के अंदर अभी कोई डेटा ही नहीं है। ओके, ना ही हम CSS दे सकते हैं बिकॉज हम CSS भी डेटा को ही देते हैं। तो पहले हमें डेटा इंसर्ट करना है, उसके बाद हम उस डेटा को CSS देंगे। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं बॉडी के अंदर और डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा इमेज को हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे img टैग लगा दूंगा और इमेज इंसर्ट कर देते हैं। इमेज का एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरे को इमेज का एड्रेस याद है पहले से ही, jpg। ओके, कंट्रोल एस और रिफ्रेश, और ये देखिए इमेज हमारे पास आ गई यहाँ पे, ये वाली। ओके, अब यहाँ पे साथ ही साथ मैं जो टेक्स्ट है उसको भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिव टैग के अंदर h1 हेडिंग डिफाइन कर लेता हूँ, h1, और h1 के अंदर लिख देता हूँ यूट्यूब। ओके, और सेव, रिफ्रेश, और ये देखिए यूट्यूब भी आ गया हमारे पास। अब ओपेसिटी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, तो मैंने आपसे कहा था ओपेसिटी प्रॉपर्टी की मदद से हम इमेज को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, तो वो चीज मैं करके आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे img curly braces और फिर प्रॉपर्टी देंगे ओपेसिटी। ओके, कॉलम। अब यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या आएगा, ओपेसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो ओपेसिटी की वैल्यू होती है 0.1 से लेके 0.9 तक। ओके, तो 0.1 अगर मैं वैल्यू देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये जो हमारी इमेज है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, रिफ्रेश, और ये देखिए बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई। अगर मैं 0.9 देता हूँ तो ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी अब, और ये देखिए ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हुई है। अब मैं वैल्यू को घटाता जाऊंगा, अगर मैं इसको 9 की जगह 7 करता हूँ तो ये थोड़ी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और ये देखिए ट्रांसपेरेंट हुई। अब मैं इसको 5 करता हूँ और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हो गई। अब मैं इसको 1 दे देता हूँ, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो हो गई। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है नॉर्मल रहे, तो आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट की जगह आपको इंटीजर वैल्यू का यूज करना है, मतलब कि 1 लिख देना है आपको सिंपल बिना पॉइंट के, और रिफ्रेश, और ये देखिए अपनी ओरिजिनल स्टेट में इमेज आ गई आपके पास। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को ओपेसिटी की मदद से ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। ओके, और ये इफेक्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप इस चीज का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पूरे वेब पेज पे इमेज डाल सकते हो, बड़ी सी इमेज, और उसके बीच में एक टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को आप ओपेसिटी दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को ओपेसिटी दे सकते हो और उस टेक्स्ट को ओपेसिटी ना दो। ओके, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो ओपेसिटी प्रॉपर्टी की मदद से। अब यहाँ पे बात करते हैं
किस तरह से कलर्स को ओपेसिटी दी जाती है, कलर्स को भी ओपेसिटी दी जा सकती है बहुत इजीली ओपेसिटी प्रॉपर्टी की मदद से, मतलब कि कलर्स को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है ओपेसिटी प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैं अब कलर को ट्रांसपेरेंट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने डिफ टैग डिफाइन किया है, तो डिफ टैग को बैकग्राउंड कलर देते हैं, ओके, और फिर उस बैकग्राउंड कलर को ओपेसिटी देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफ कर्ली ब्रेसेस एंड इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे रेड या ब्लू, जो भी आपका मन करे। मैं ब्लू दे देता हूँ यार इसको, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, ओके। एंड अब इसको भी हम ओपेसिटी देंगे, पहले बिना ओपेसिटी के दिखा दूं, कंट्रोल एस और रिफ्रेश, और ये देखिए किस तरह का ये आया। मैं इसको फुल साइज कर लेता हूँ, एक मिनट बस, स्टार लगेगा, कर्ली ब्रशेस, और फिर यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे इसको 0 pixels, और ये अटैच हो जाएगा बिल्कुल वहां पे। तो ये देखिए इमेज और ये टेक्स्ट हमारा अटैच हो गया एकदम वहां पे। अब हम क्या करेंगे, हम इस ब्लू कलर को ओपेसिटी देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे हम, बहुत इजी है, पैडिंग भी दे देता हूँ एक मिनट, 30 pixel, ओके। अब यहाँ पे ओपेसिटी देंगे हम, जैसे इमेज को दी थी, और इसको वैल्यू दे देंगे 0.5, ओके, और रिफ्रेश, और ये देखिए ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया हमारे पास। मैं इमेज की ओपेसिटी हटा रहा हूँ यहाँ से कुछ देर के लिए, ताकि आपको ध्यान में आए डिव के, डिव का, ओके, रिफ्रेश, और ये देखिए इमेज नॉर्मल हो गई, और जो बैकग्राउंड है हमारे पास रॉयल ब्लू हमने ये दिया था, इसमें ओपेसिटी आ गई। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली हम चाहते थे कि जो बैकग्राउंड कलर है उस पे ओपेसिटी आए, ओके, और वो आई भी, लेकिन जो टेक्स्ट हमारा YouTube है उसमें भी वो ओपेसिटी आ गई है। आप देख सकते हैं YouTube भी यहाँ पे फीका फीका सा हो चुका है, ओके। तो हम नहीं चाहते थे कि YouTube में ये ओपेसिटी का इफेक्ट पड़े, हम चाहते थे सिर्फ बैकग्राउंड कलर में ओपेसिटी का इफेक्ट पड़े। तो ये इफेक्ट पड़ा क्यों बेसिकली, और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इफेक्ट पड़ा क्यों इस YouTube पर भी, ये तो H1 में था, हमने तो डिव को दिया था CSS जो भी दिया था, तो इसमें क्यों इफेक्ट पड़ा। तो आंसर सिंपल सा है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में HTML वाले कि डिव टैग के अंदर H1 हमने डाला है, ओके, मतलब कि डिव टैग जो है पेरेंट है, यानी कि एक तरह से सोच लो कि ये मम्मी पापा है और ये जो H1 है ये बच्चा है, यानी कि मम्मी पापा पे जो इफेक्ट होगा वो बच्चे पे भी इफेक्ट होगा। तो पेरेंट क्लास में जो भी इफेक्ट हमने दिया वो चाइल्ड में भी चला गया, ओके, तो इसीलिए H1 को ये इफेक्ट पड़ा। तो इस चीज को अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके, तो बाई यूजिंग RGB वैल्यू। अगर हम RGB वैल्यू का यूज करेंगे तो हम इजिली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि हमें रॉयल ब्लू की जगह यूज करना पड़ेगा RGB वैल्यूज को, ओके, और ओपेसिटी को हमें यूज नहीं करना है, ओके। बेसिकली ओपेसिटी की जो वैल्यू है आप उस वैल्यू को ऐड कर सकते हो RGB वैल्यूज में, और सिंपली आप उस एलिमेंट को क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। RGB वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर्स और टेक्स्ट कलर्स में ही यूज होगी, बाकी किसी चीज में यूज नहीं होगी, चाहे तो ग्रेडियंट में भी यूज कर सकते हो। तो इसको मैं कैंसिल कर दिया ओपेसिटी को, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और ये देखिए किस तरह का यह है, ये टेक्स्ट आ गया वापस से अपनी फॉर्म में। अब हम चाहते हैं कि जो पीछे का रॉयल ब्लू है उसको हम ट्रांसपेरेंट करें, और बाकी सारी चीजें जो YouTube लिखा है हमने वो बिल्कुल सेम वैसा का ऐसा ही रहे, ओके। तो हम क्या करेंगे, RGB वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे रॉयल ब्लू की जगह। तो मुझे RGB वैल्यू याद नहीं रहती, तो बेसिकली मैं ओपन करूंगा इसको टैब पूरे ब्राउजर को, और डेवलपर टूल्स में जाऊंगा, तो डेवलपर टूल्स में गया और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, ये कर लिया और यहाँ पे आ गया रॉयल ब्लू, ओके। तो इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इस तरह से आप चूज कर सकते हो कलर और चेक कर सकते हो कैसा आपका कलर दिखाई देगा अगर कोई और कलर आप पुट करोगे रेड में कुछ ऐसा। तो हमें अभी सिर्फ RGB वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया हमने, ओके, रिफ्रेश करके देखता हूँ, रिफ्रेश, और ये रहा कलर थोड़ा डार्क, कितना ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें RGB वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हेक्स वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप हेक्स वैल्यू है, लेकिन हेक्स वैल्यू के अंदर हम ओपेसिटी नहीं इंसर्ट कर सकते, हमें RGB चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, और ये देखिए RGB वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको बाहर क्लिक कीजिए और RGB वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कॉपी, तो हम इसको कॉपी करेंगे, अब कट कर लिया मैंने यहाँ से सीधे, अब इसको क्लोज किया, रिफ्रेश, और ये बंद, और यहाँ पे रॉयल ब्लू की जगह उस कोड को हम कॉपी कर लेंगे कलर वाले को, और यहाँ पे पेस्ट किया, और ये देखिए कंट्रोल एस और रिफ्रेश, और कोई चेंज नहीं आया, ओके। अब हम चाहते हैं इस पे ओपेसिटी आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये तीन वैल्यूज हैं
इसके आगे एक और वैल्यू इंसर्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और 0.5 लिख देंगे। ये जो वैल्यू है 0.5 वाली, ये ओपेसिटी की वैल्यू है। ओके, ओपेसिटी ऐड कर रहे हैं हम इसमें अब। तो रिफ्रेश, और ये देखिए ओपेसिटी हो गई, काम कर गया और यूट्यूब वैसा का वैसा ही रहा। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये चीज आप कर सकते हो इमेज के साथ भी, तो बेसिकली आप ये चीज इमेज के साथ नहीं कर सकते। तो मैं कॉपी किया उस कोड को, बैकग्राउंड कलर को, और इमेज में डाल दिया, कंट्रोल एस और रिफ्रेश, और देख सकते हैं आप ओपेसिटी काम नहीं की इमेज के बारे में। बिकॉज आरजीबी के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ कलर्स को ओपेसिटी दे सकते हैं, इमेजेस को ओपेसिटी नहीं दे सकते। बैकग्राउंड कलर को आप ओपेसिटी दे पाएंगे, कलर को आप ओपेसिटी दे पाएंगे, कोई भी कलर को, ओके, लेकिन आप इमेज को ओपेसिटी नहीं दे पाएंगे। अगर आपको इमेज को ओपेसिटी देनी है तो आपको वहां पे ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज करना है। मतलब कि अगर ट्रांसपेरेंट बनाना है आपको किसी भी चीज को, अगर इमेज वगैरह को, तो आपको ओपेसिटी का यूज करना पड़ेगा वहां पे, ओके, तभी आप उसको ट्रांसपेरेंट बना पाएंगे। तो ये था सिंपली हमारे पास ये कंसेप्ट ओपेसिटी वाला, ओके। साथ ही साथ इसमें मैं आपको चीज दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे पता लग रहा है मेरे को कि ये काम कर रही है ओपेसिटी या नहीं। तो इसका सिंपली ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल देते हैं H2, और इसमें मैं लिख देता हूँ टेस्ट ओपेसिटी। अब हमें पता लग जाएगा कि ओपेसिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब कंट्रोल एस रिफ्रेश, और अब आप देखेंगे टेक्स्ट ओपेसिटी नहीं, टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट आना था, ओके, रिफ्रेश, और ये आ गया टेस्ट ओपेसिटी। अब हम टेस्ट करेंगे कि इमेज में ओपेसिटी आती भी है कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंट बनती है कि नहीं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो टेस्ट ओपेसिटी मैंने लिखा है इसको मुझे लिखना पड़ेगा हमारी इमेज के पीछे, ओके, ताकि जब मैं हमारी इमेज को ट्रांसपेरेंट करूं तो हमें ये टेक्स्ट दिखे और हमें पता लगे कि हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट सच में हो रही है। तो ये चीज करना बहुत ही इजी है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, H2 लिख देंगे, ओके, और इसको मार्जिन टॉप दूंगा मैं, मार्जिन टॉप, ओके, और इसको मैं -200 दे देता हूँ, और ये गायब हो जाएगा यहाँ से, रिफ्रेश, और ये देखिए, और ये इसी के ऊपर आ गया, ये सीधे इसके ऊपर आ गया, ये कोई बात नहीं। अब मैं इसको इमेज को यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज इसके ऊपर चढ़ा दी हमने, ओके, तो इमेज हमने उसके ऊपर चढ़ा दी हमारे टेक्स्ट के ऊपर। अब हम इमेज को ओपेसिटी देंगे, ओके, अगर ओपेसिटी देने के बाद हमें, हमने जो पीछे लिखा हुआ है टेक्स्ट, टेस्ट ओपेसिटी, अगर ये हमें दिखाई दे गया, मतलब कि हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट हो रही है, ओके, तो टेस्ट करते हैं यहाँ पे, इमेज की ओपेसिटी हम 0.5 दे देंगे, और अगर हमें टेस्ट ओपेसिटी दिख गया, या फिर जो भी है हमारा ये हेड तक दिख गया यूट्यूब, तो समझ लो कि ये काम कर रही है। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, और ये देखिए हमें दिख गया यूट्यूब, ओके, तो इस तरह से जो है ये चीज काम करती है, यानी कि ओपेसिटी काम कर रही है हमारी यहाँ पे, ओके। और ये टेस्ट ओपेसिटी क्यों नहीं दिखाई दिया, इसका रीजन बड़ा सिंपल है, मैंने इसका जो मार्जिन है काफी ऊपर को हटा दिया, तो ये काफी साइड जैसे में चला गया, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, ओके। अब इससे आपको पता लग गया है कि हमारी ओपेसिटी काम कर रही है, ओके, बिकॉज हमें जो है यूट्यूब दिखाई दिया था ट्रांसपेरेंटी में, ओके, पीछे दिखाई दे गया था यूट्यूब हमें, ओके। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है उसको भी आप ओपेसिटी दे सकते हो, कैसे देनी है, बहुत सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे H1 को ओपेसिटी दे देते हैं, नहीं H2 को दे देते हैं, H2 को दे देते हैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ओपेसिटी लिख देंगे, ओपेसिटी में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.5 और कंट्रोल एस और रिफ्रेश, और ये देखिए ओपेसिटी चल पड़ी, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया हमारे पास टेक्स्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी हम बैकग्राउंड कलर का यूज करते हो, या फिर आप कलर को ओपेसिटी देना चाहते हो, यानी कि टेक्स्ट कलर को ओपेसिटी देना चाहते हो, या किसी भी टेक्स्ट को ओपेसिटी देना चाहते हो, तो बेसिकली वहां पे कभी भी ओपेसिटी का यूज मत करो, सीधे आरजीबी वैल्यू का यूज करो। तो मैं इस वैल्यू को कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसके आगे लिख दूंगा कलर, और ये अब अच्छे से काम करेगी, और यही है राइट मेथड इस चीज को करने का। रिफ्रेश, और ये देखिए ये ओपेसिटी यहाँ पे काम की, ओके। तो इस तरह से आपको कलर्स को ओपेसिटी देनी चाहिए और इमेज को आपको इस तरह से ओपेसिटी देनी चाहिए, यानी कि अगर आपको इमेजेस को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो ओपेसिटी दो, और अगर आपको कलर्स वगैरह को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो वहां पे आप RGB वैल्यूज का यूज करो, ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और आपको ये पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप डिफ
आपको कभी भी ओपेसिटी दे रहे हो और उस डिव के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो ओपेसिटी उन सभी एलिमेंट्स को भी चली जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, और इन फ्यूचर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे इस ओपेसिटी पे भी। ओके, तो वेट कीजिएगा, तब तक आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्या पता मैंने अपलोड कर दी हो वीडियो। तो बाय, टेक केयर।